कृष्णा हेगड़े, हम आपके हैं, कौन की भी नौबत आने लगी है क्या? 7 सीटें भाई आपने जीती, बीजेपी ने 9 ही जीती हैं, लेकिन आपको कैबिनेट मंत्री पद नहीं मिला। इसलिए एक एक का जवाब देता हूं। पहले प्रियंका जी ने कहा इनको अभी तक पता नहीं है सरकार किसकी आई है। ये मोदी 3.0 सरकार है और हमारी सरकार फिर से आई है, एनडीए की सरकार फिर से आई है, ना उद्धव जी की या कांग्रेस की सरकार आई है, वो तो बहुत पीछे है और दिन में सपना देखना बंद करे। दूसरी बात है कि उन्होंने कहा कि भाई गद्दार गद्दार, वो खुद कांग्रेस से आए, मैं क्या कह सकता हूँ। अभी जो बाला साहब के साथ 30-30 साल से काम कर रहे हैं प्रताप राव यादव, उन्होंने 7 इलेक्शन लड़कर जीती है, उनको वो गद्दार कह रहे हैं, उनको शिकार है, तो ये बड़ी ये अच्छी बात नहीं है। और गद्दारी किसने की? 2019 में बीजेपी और शिवसेना साथ में लड़ी, ये तो पुरानी कहानी हो गई, ये रिकॉर्ड बहुत बार बच चुका कृष्णा भाई, ये रिकॉर्ड बहुत बार बच चुका। मेरा सवाल बड़ा सीधा है, अभी तक अरे भाई 7 सांसद 4:1 का फॉर्मूला भी चल रहा था तो कम से कम एक फुल फ्लेजेड कैबिनेट मंत्री तो होना ही चाहिए था, 2 भी हो सकते थे, आपको नहीं दिया गया। देखिए प्रताप राव यादव जी को एमओएस इंडिपेंडेंट चार्ज मिला है, आयुष मिनिस्ट्री का मिला है, आयुष एक अच्छा इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री है, यहाँ पर अल्टरनेट मेडिसिन का जो हीलिंग है वो होता है, आयुर्वेदा हो, उदानी हो, योगा हो। अल्टरनेट मेडिसिन बीजेपी को देने की तैयारी तो नहीं है कि कहीं अल्टरनेट मेडिसिन आप बीजेपी को देने लगे कि ये मंत्रालय दे दिया? हम 1987 से साथ में हैं और अभी भी साथ में और साथ में ही रहेंगे और मोदी जी का पूरा समर्थन करेंगे। ये सरकार 5 साल चलेगी और खेला महाराष्ट्र भी इस बार हम करेंगे। 31 सीट में डिफरेंस है, वो 31 सीट कवर करेंगे। महायुति की सरकार फिर से आएगी, जो दुष्प्रचार इन्होंने किया था संविधान बदली करेंगे वो सब महाराष्ट्र में नहीं चलने वाला है। अरे आपके नेता कह रहे हैं एकनाथ शिंदे, ये 400 पार का नारा, ये बबल इस गुब्बारे में ही फंस गए, हवा निकल गई उस बबल की। नहीं, एकनाथ शिंदे जी ने वो नहीं कहा, उन्होंने कहा नारा तो हमने दिया लेकिन जो विपक्ष है उसने जो प्रचार किया कि संविधान को बदली कर देंगे, वो जो प्रचार उन्होंने किया, जो नैरेटिव उन्होंने सेट किया, वो हम पर भारी पड़ा। लेकिन इस बार उसका कोई ये नहीं है, सरकार तो मोदी जी की बनी है और आने वाले दिनों में महायुति की सरकार महाराष्ट्र में बनेगी। इनको खेला हम दिखाएंगे, खेला हो गए लेकिन इस बार हमारे तरफ से, खेला आपकी तरफ से होगा। ये 5-6 सांसद कौन हैं जो शिवसेना गुट के आपके संपर्क में हैं? नहीं, सिर्फ सांसद ही नहीं, या आपके सांसद उनके संपर्क में तो नहीं? ये खिसियाहट में ये आरोप तो नहीं, उल्टा आरोप लगा रहे? देखिए आज के दिन पे सरकार हमारी है, आने वाले दिनों में भी सरकार हमारी ही बनेगी, तो कौन छोड़ के जाने वाला है।